हेलो स्टूडेंट, आज का क्लास क्लास टेंथ का मैथमेटिक्स का है। चैप्टर थ्री के ये आपका पार्ट 11 है एंड 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का पहला जो पार्ट इससे पिछले वाले वीडियो में हल हो चुका है। तो आइए नेक्स्ट से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट, तो ध्यान से सुनिएगा। पढ़ रहा हूं क्वेश्चन। कर्ण एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। तो माना वो जो भिन्न है वो क्या है, x/y है। तो जब अंश से 1 हटाया जाता है, ठीक, तो x-1/y 1 हटा दिया अंश में, तो भिन्न कितना हो रहा है, 1/3। इसका बोला इसमें 3x-3 = इसका बोला इसमें y, लेफ्ट में आएगा राइट में, तो 3x-y = 3, समीकरण नंबर 1 माना। अब आइए कह रहा है कि जब भिन्न 1/4 हो जाती है तब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। अभी फर्स्ट कंडीशन था, सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है कि भिन्न 1/ कितना हो रहा है, 4, तो हर में 8 जोड़ देते हैं तब प्राप्त हो रहा है y+8 = 1/4। इसका बोला इसमें, तो 4x = y + 8, लेफ्ट में आएगा तो 4x-5 = 8, समीकरण नंबर 2। ठीक है, कर भी ज्ञात कीजिए, क्या कर 1-2 घटा दें, 1-2 घटाएंगे तो दीजिएगा 3x-y = 3, 4x-y = 8 घटाएंगे ये आपका घट जाएगा, ये आपका -x होगा बराबर -5, x आपका होगा 5। अब क्या करें, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, 3x = 5 -y = 3, तो 5 × 15 -y = 3, तो -y = 15 में से 3 में से 15 जाए -12 जाएगा, तो y = कितना होगा, 12। अब भिन्न लिखेंगे, भिन्न x/y, तो x का मान कितना होगा, 5, y का मान कितना होगा, 12, यही आपका भिन्न हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देख लीजिए, जांच कर लीजिए, देखिए जांच में सही आ रहा है कि नहीं। कह रहा है भिन्न 5/12, भिन्न में 1 घटा रहे हैं, अंश में 1 घटा रहा है, तो 4/12 हो जाएगा, 4×4 = 4, 4×3 = 12, 1/3 हो जाएगा, यानी आंसर में रहता है सही है। देखिए 1/3 आ गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही पर 3 अंक और गलत पर 1 अंक की कटौती की जाती है। ठीक, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिले तथा गलत पर 2 अंक कटें तो 50 अंक अर्जित करता है। तो टेस्ट में कितने प्रश्न पूछे गए, यस है टेस्ट ले रहा है, तो जान लीजिए सही जो हो रहा है और गलत, जब क्वेश्चन हल करेगा तो आदमी सही करेगा या गलत करेगा, सही क्वेश्चन एक्स गलत क्वेश्चन वाई, तो प्रश्नानुसार फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है, देखिएगा कि 40 अंक अर्जित करता है जब उसे सही पर 3 अंक
यानी 3 अंक। गलत पर 1 अंक कटता है तो 1y माइनस जाएगा, कट रहा है माइनस होगा, कितना अंक प्राप्त करा 40। समीकरण 1 बन गया। आइए अब एक फर्स्ट कंडीशन है, सेकंड वाला देखिए, कह रहा है कि सही पर कितने अंक मिला है आपका 4, और गलत पर 2 अंक कट रहा है 50 अंक, फिर 4x हो जाएगा, गलत पर 2 अंक कट रहा है माइनस जाएगा, और कितना अंक प्राप्त कर रहा है 50, ये 2 होगा। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दीजिए, अब गुणा करने के बाद 2 में से घटा दीजिए तो 6x होगा माइनस 2y बराबर 80, ये आपका 4x माइनस 2y बराबर 50, ये घटेगा तो प्लस हो जाएगा, ये घट जाएगा 2x बराबर 80 में से 50 या 30, तो x बराबर कितना जाएगा 15। अब आइए समीकरण 1 से x का मान रखिए, 3x का मान 15 माइनस वाई बराबर 40, 15 3 45 माइनस वाई बराबर 40, तो माइनस वाई बराबर माइनस देखिए 40 में 45 जाएगा माइनस 5, तो y बराबर कितना जाएगा 5। कुल प्रश्न पूछ रहा है, कुल प्रश्न तो क्या करेंगे, सही कितना क्वेश्चन किया 15, गलत कितना क्वेश्चन किया 5, तो 15 5 20, यानी कुल प्रश्नों की संख्या कितना जाएगा 20 हो जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को हल किया जाएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।